डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको, लास्ट वीडियो में ये बताया था कि प्लस टू की अकाउंट्स दो भागों में बटी हुई है। एक भाग जिसको हम पार्टनरशिप अकाउंट कहेंगे, दूसरा कंपनी अकाउंट्स। और पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया था कि प्लस टू के अंदर 6 चैप्टर हैं। उन चैप्टरों का एक ब्रीफिंग सा छोटा सा मैं फिर दोबारा कर देता हूं। जैसे पहला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, तीसरी बात उसमें थी चेंज इन द रेशियो अमंग इन द पार्टनर्स, फोर्थ था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फिफ्थ था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और सिक्स टॉपिक या सिक्स चैप्टर उसमें हम कहेंगे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 6 चैप्टर मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि ये हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़ने हैं। पार्टनरशिप जो अकाउंट पढ़ेंगे प्लस टू के बुक में, उसमें ये 6 टॉपिक 6 चैप्टर हमारे होंगे। इसमें से मैंने ये भी आपको पहले बताया था कि एनपीओ एक अलग चैप्टर है जो प्लस वन की अकाउंटिंग से मिलता जुलता है। जो प्लस वन में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पढ़े, उससे सारा मिलता जुलता है। इसके अलावा जो शेष रिमेनिंग जो 5 चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल प्योरली पार्टनरशिप के चैप्टर हैं। उन्हीं चैप्टरों को लेके आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। पहला जो चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उस चैप्टर को लेकर आज मैं शुरू कर रहा हूं, जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसको बेसिक अगर साधारण भाषा में बात करें तो फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी कहते हैं। फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीधा सा मतलब ये हुआ पार्टनरशिप, इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ छोटी छोटी बातों में। पहला जो हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि साझेदारी की परिभाषा। दूसरा जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, इसका दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, या हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं साझेदारी संलेख, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तीसरा हम पढ़ेंगे रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि वे नियम वे रूल्स जो कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन से लागू होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये इसमें हम पढ़ेंगे। और जो हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देखिए ये जो चैप्टर है हमारा पहला पार्टनरशिप का, इस चैप्टर में हमने फंडामेंटल बातें पढ़नी है, बेसिक बातें पढ़नी है, जो साझेदारी की बेसिक बातें होती हैं वो पढ़नी है। जैसे इसमें मैंने आपको पहले बताया कि साझेदारी की परिभाषा, दूसरा मैंने बताया कि साझेदारों के मध्य होने वाला अनुबंध, तीसरा है कि अगर वो अनुबंध ना हो तो क्या होगा, चौथी बात मैंने बताई आपको कि वो लाभ हानि बांटने का एक ऐसा खाता जो साझेदारों के बीच में लाभ हानि को बांटेगा, उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। फिर हम पांचवी इसमें बात पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट्स। ये दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग, या हिंदी में हम बोले इस बात को पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते जो स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अगला हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जो हम प्लस वन में भी पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं मैनेजर कमीशन। उसके बाद ये प्लस वन में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे प्रॉफिट देने के बाद मैनेजर पे कमीशन कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट देने से पूर्व पहले, प्रॉफिट ना दिया जाए उससे पहले कितना कमीशन दिया, ये दोनों बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, एक बात मैं जिसमें आपको पढ़ाऊंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक टॉपिक अगला हमारा होगा इसके बीच में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके बाद होगा एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स। लास्ट जो मैंने अपने हिसाब से बनाया है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, गारंटी GAURANTEE ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ये ए पार्टनर ना होके ये भी हो सकता है दो या तीन साझेदार, दो या तीन पार्टनर। एक बार मैं हल्का सा इनके बारे में बताया तो मेरा यहां इसको बताने का उद्देश्य क्या है कि जो हम फंडामेंटल पार्टनरशिप पढ़ेंगे ये मैंने अपने हिसाब से आपकी बुक के अकॉर्डिंग इनको टॉपिक्स में बांट लिया कि ये टॉपिक्स अगर आप समझ लेते हैं तो प्लस टू की अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है या फंडामेंटल अकाउंटिंग है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं ऊपर से लेता हूं, पहला जैसे टॉपिक आपका डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन आर वर्किंग टुगेदर फॉर कंट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन ए बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। या सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं, ऐसे काम को जो लाभ बांटने के लिए आपस में उन्होंने सहमति दी, जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यापार चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ पार्टनरशिप तो वैसा ऐसा व्यवसाय है जिसमें लाभ बांटने के लिए व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, व्यापार करते हैं और लाभ को बांटते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। अब दूसरा टॉपिक था मेरा पार्टनरशिप डीड। डीड का क्या मतलब है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको डीड से अभिप्राय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से है। जैसे हम कोई भी बात करते हैं तो उसके लिए हम समझौता कर लेते हैं, भाई ये समझौता हो गया है तू ऐसा करेगा तू ऐसा करेगा। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड या हिंदी में बात करें तो साझेदारी संलेख, ऐसा आधारभूत प्रलेख है जो भविष्य में साझेदारों के बीच में पार्टनर्स के बीच में किस तरह से लाभ हानि बांटा जाएगा, फर्म का नाम क्या होगा, उनके पते क्या होंगे, पार्टनर्स का एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स के नेम क्या होंगे, किसको लाभ कितना मिलेगा, किसको हानि, लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, सैलरी कैसे मिलेगी, वेतन कैसे दिया जाएगा, सैलरी कमीशन जितनी भी आपकी बुक्स में जैसे 17-18 पॉइंट्स है, मैं आपको एक ही बात में इसको खत्म करता हूँ, एक ही बात में समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो भी पार्टनर्स भविष्य में करना चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जा सकती है। एक ही बात दोबारा रिपीट करता हूं, पार्टनरशिप डीड में जो आपको आपकी बुक में बताया जाता है उससे ज्यादा एक ही लाइन में व्हाटसोएवर यू वांट इन फ्यूचर एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। सीधी सी बात है, अगर हम बात करें सारी वो बातें जो पार्टनर्स भविष्य में करना चाहते हैं वो इसमें लिखी जा सकती है पार्टनरशिप डीड। अब ये होता है पार्टनरशिप अटमोस्ट गुड फेथ पे होता है, ट्रस्ट पे होता है। पार्टनरशिप कोई भी व्यक्ति करेगा जब उसमें अटमोस्ट गुड फेथ होगा, ट्रस्ट होगा, उनके बीच में विश्वास होगा। अब विश्वास बेस पे की जाती तो कई बार क्या होता है कि हमें कोई डीड की आवश्यकता नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई झगड़ा ही नहीं होगा हमारे बीच में, कोई बंटवारा नहीं हो सकता, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी, पार्टनरशिप का जन्म तो ऐसे ही होता है। लेकिन भविष्य में अगर किसी कारण से डिस्प्यूट होता है बिटवीन पार्टनर तो उसके लिए 1932 पार्टनरशिप एक्ट है जो, उसमें कुछ प्रोविजन लिखे गए हैं, वो प्रोविजन हम यहां पढ़ देंगे, रूल्स एप्लीकेबल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या हुआ, यदि पार्टनर्स ने रूल्स डीड नहीं बनाई है तो कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट का बंटवारा होगा। जैसे वो रूल क्या है याद करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इक्वली बराबर बराबर बांटा जाएगा सभी साझेदारों के बीच में। ऐसा नहीं है एक साझेदार ने 1 करोड़ रुपए लगा रखा है, एक साझेदार ने मात्र 1 लाख रुपए लगा रखा है, तो वो ये नहीं कह सकता 1 करोड़ वाला कि तेरे पैसे कम लगे तुझे लाभ कम मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकता। यानी कि 1 लाख वाला भी उतना ही साझेदार है, 1 करोड़ वाला भी उतना ही साझेदार है, तो दोनों के बीच में प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। दूसरी बात,
किसी भी साइनदार को कोई सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। किसी भी साइनदार को पूंजी पर ब्याज, जैसे कोई कहता कि मेरी पूंजी ज्यादा लगी उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कोई कहता मेरी कम लगी हुई है मुझे नहीं मिलना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी नो इंटरेस्ट गिवन टू द पार्टनर, नो सैलरी नो कमीशन। अगर किसी पार्टनर्स ने कैपिटल के अलावा इन एडिशन टू कैपिटल अगर कोई लोन दे रखा है फर्म को, उस लोन के ऊपर 6% की दर से रेट से उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यह है बेसिकली बात। जैसे उसमें तीन बातें हो रहा है, सभी पार्टनर्स को बुक्स देखने का अधिकार है, सभी पार्टनर्स की सहमति से अन्य साझेदार आ सकता है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की हम बात करें तो वही पांच है जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद है, अब साल के अंत में जो लाभ हानि होती है, जो प्रॉफिट कमाया गया है, उस प्रॉफिट को किस तरह से साझेदारों के बीच में बटेगा, इसको बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। देखिए यहां क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस वन के विद्यार्थियों ने पहले पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां एक वर्ड और एड हो गया एप्रोप्रिएशन। बात तो वही है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से अभिप्राय है व्यवसाय बिजनेस के लिए जो आपने प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंट बनाया था उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन के साथ लग गया, इसका मतलब है जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट को साझेदारों के बीच में किस तरह से बांटा जाएगा। जैसे साझेदार को ब्याज देना है पूंजी पे, साझेदार को सैलरी देनी है, साझेदार को कमीशन देना है, जितनी चीजें साझेदार को दी जाएंगी वो किसके थ्रू दी जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। अगर साझेदार को सैलरी दी जानी है तो कहां दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। यदि पार्टनर्स के अलावा किसी कर्मचारी को, मैनेजर को सैलरी दी जानी है तो वो खर्चा किसके लिए है, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, वो कहां दिया जाएगा, पीएनएल में। तो हेयर द डिफरेंस बिटवीन पीएनएल एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल इज प्रिपेयर फॉर ओनली बिजनेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ओनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। उसकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है, जैसे पूंजी के ब्याज में, सैलरी में, कमीशन में, किसी भी तरीके से उसके लिए जो दिया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके हिसाब से उसी का निर्माण, उसका जो बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि लाभ को साझेदारों के बीच में बांटना। आज मैंने आपको थ्योरी का काफी कुछ इसमें बताया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक। इससे नेक्स्ट में जो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, उसका परफॉर्मा क्या होगा, वो मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।